आई एम शिल्पा दास एंड वेलकम टू 5 पैसा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंट्राडे के निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इसके अलावा आपको रेकमेंडेशन देंगे 5 स्टॉक्स का जिन्हें आप होल्ड कर सकते हैं 7 to 10 डेज के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले जिन व्यूअर्स ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर कर लें। और साथ ही आपको याद दिला दूं कि जो स्टॉक्स आपको हम बताने वाले हैं वो हैं हमारी तरफ से रेकमेंडेशन, लेकिन किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर करें और साथ ही अपना रिस्क एपेटाइट भी चेक करें। लेट्स स्टार्ट विद इंट्राडे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी लेवल्स। इंट्राडे निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 24,640 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 24,540 का है, पहला रेजिस्टेंस 24,940 का और दूसरा रेजिस्टेंस 25,130 का है। इंट्राडे बैंक निफ्टी लेवल्स की बात करें तो पहला सपोर्ट लेवल 50,980 का है, दूसरा सपोर्ट लेवल 50,670 का है, पहला रेजिस्टेंस 51,760 का और दूसरा रेजिस्टेंस 52,240। चलिए अब नजर डालते हैं 5 मोमेंटम स्टॉक्स फॉर द डे पर, यानी कि आपको रेकमेंड करेंगे 5 स्टॉक्स, होल्डिंग पीरियड होगा 7 to 10 डेज इन स्टॉक्स का। सबसे पहला रेकमेंडेशन है GMDC लिमिटेड, राइजिंग वॉल्यूम है, यहाँ पर आप इसे बाय कर सकते हैं 354 पर, स्टॉप लॉस 336 लगा सकते हैं, पहला टारगेट 372 और दूसरा टारगेट 395। नेक्स्ट स्टॉक इज HEG, ऑन द वर्ज ऑफ ब्रेकआउट है ये, इसे आप बाय कर सकते हैं 2570 पर, स्टॉप लॉस 2492, पहला टारगेट 2648 और दूसरा 2750 पर रख सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज सीतागढ़, यहाँ पर वॉल्यूम स्पर्ट है, बाय कर सकते हैं 1170 पर, स्टॉप लॉस 1123, पहला टारगेट 1218 और दूसरा टारगेट 1285। नेक्स्ट स्टॉक इज टाइटन फ्यूचर्स, यहाँ पर प्योरिश मोमेंटम है तो इस स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं 3390 पर, स्टॉप लॉस 3482, पहला टारगेट 3298 और दूसरा 3180। नेक्स्ट स्टॉक इज अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड फ्यूचर्स, यहाँ पर भी नेगेटिव क्रॉसओवर है तो इसे आप सेल कर सकते हैं 3007 पर, स्टॉप लॉस 3122, पहला टारगेट 2892 और दूसरा टारगेट 2730। अभी के लिए इतना ही, और ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए कीप फॉलोइंग अस। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही आपके फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में जरूर देते रहें।